श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। बेशुमार अथाह अगणत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। पतत पावन भगत वत्सल कृपा निधान दसा पातशाहियां दी जोत चवर छतर तख्त दे मालक गुरता गद्दी ते विराजमान सुभायमान जुगो जुग अटल कालियुग के बोहित साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज बड योधा बहु परोपकारी ऐसे सतगुरु तिन्हां तों वरो सोए होए महान गुरु के सिख बहादुर ब्रह्म ज्ञानी बाबा विधि चंद साहिब जी तिन्हां महापुरशां दी अणस बणस सचखंड वासी सेवा सिमरन दे पुंज निम्रता दे पुंज श्रीमान संत बाबा दया सिंह जी सुर सिंह वाले महापुरश जिन्हां दी पवित्र याद आप संगत बड़े प्रेम दे नाल इन्हां गुरमत समागमां दे विच पंथ दे महान ढाडी ज्ञानी फौजा सिंह जी सागर जिहड़े के सतगुरु जी दी बड़ी जिन्हां उपर अपार कृपा है बख्शिश है सच दा प्रचार करदे ने तिन्हां पासों सतगुरु जी दा पवित्र इतिहास आप श्रवण कर रहे सी। सतगुरु जी ने जां भाई साहिब भाई गुरदास साहिब जी ने ब्रह्म ज्ञानी दियां 21 कुलां दा उधार मन्निया है कि जिहड़ा भगत है परमेश्वर दा ब्रह्म ज्ञानी है उहदियां 21 कुलां धरदियां ने। गुरबाणी दा पावन पवित्र वचन है भगत जना के 21 कुल उधारे पर नाल नाल ये भी सच्चे पातशाह ने आख्या है भी तरदियां ओ ने जिहड़ियां हुक्म मन्नण क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर वाहिगुरु है इहदे नाल जिहड़ा नाता है वह भगती का है। जे ते ओ कोई साडे वर्गा शरीर होवे फिर तां उहदा असीं संबंध मन सकदे हां। ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਪਾਇਓ। ਜਿਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। दुनियावी नाता उत्थे चलदा नहीं। महाराज कहिंदे ना पोतरे ना पुत्रे ना सत्रे ना मित्रे ना ताते ना माते ना जाते ना पाते। फिर भाई साहब भाई गुरदास साहब जी भी दसदे ने कि गोबिंद पाओ भगत का भुखा पाओ भगत दा भुखा। परमेश्वर वाहिगुरु जी भगती दे भुखे हैं भगती करके प्राप्त होंदे हैं। दास ने एक घटना सुनी बड़ी सुंदर कि कोई तवायफ हजरत रूमी साहब
जदों कथा करते तो बड़ी दुनिया उन्होंने सुन जाती। मौलाना रूमी साहब का लैक्चर सुन वास्ते बड़ा इकट्ठ हुंदा मस्जिद दे विच, तिल सुटन का थां नहीं रह जांदा। और जिहड़े सुनदे वो देश काल वस्तु भुल जांदे। एक तवायफ आप जानदे हो भी तवायफ आपां किहनूं कहिंदे आ, उहदे मन दे विच चाह पैदा होया भी रूमी साहब बड़ी मिठी कथा करते ने ते लोकां तो बड़ी उस्तत सुनी है, मैं भी कथा सुना। तां उहने मर्दां वाला भेस बना के मस्जिद दे विच गई, जिहड़े उहदे गाहक सी उहनां विचों किसी ने उहनूं पछाण लिया। उहने मूर्ख इंसान ने रौला पाता, ये तां तवायफ आ मर्द दे पेस च। तां उह बड़ी बीबी घबरा गई ते उहनूं इस तरह जापिया भी हुणे मैनूं पत्थर मार मार के जिउंदी नूं मारनगे, जो इस्लाम दा कानून आ। मस्जिद दे विच तवायफ दा की काम, अजे उह मारन दी तैयारी करन लगे सी कि कोई बजुर्ग दरवेश पता नहीं कितों आया, सामने आया, आण के बड़ी जुरत नाल उन्हें आख्या भी ठहरो, कोई भी इनू हाथ लाउण दा जतन ना करे। उन्हें आख्या जी मस्जिद दे विच मर्दां वाले भेस चाई है, कोठे ते नचदी आ, नचार आ, अपना नाच विखाउंदी है, इस करके इनू सजा मिलनी चाहिए है। तां वो दरवेश कहण लगा कि तुसी मस्जिद विच जांदे किहड़े काम हो? कहिंदे जी बंदगी करन। तां कहिंदे जे तुसी बंदगी करन जांदे हो ते फिर तुहानू ये क्यों देखदा भी ये तवायफ आ, ओह फलाना वा, ये ओ आ, ये आ वा। जिहड़े ते बंदगी करन जांदे ओह लोकां दे मूंह वेखण थोड़ी जांदे। जे तुसी वाकया ही परमेशर दी बंदगी करन आए हो तां तवायफ ते फिर तुहानू दिखणी वी नहीं सी चाहीदी। ये गल कह के उस दरवेश ने उन्हूं बाहों फड़ के अपने पिछे कर लिया, जिवें प्यो अपनी लड़की नूं लुको लैंदा है। उत्थे उस दरवेश ने बड़ी शुभ सिक्ख्या दित्ती। गुरद्वारे जाण वालिया सज्जणा, संगत विच बहण वालिया सज्जणा, ये ना वेखण जाया कर भी उत्थे कौन आया सी ते कौन नहीं आया सी। सिर्फ ते सिर्फ परमेशर दी भगती करन जा, बंदगी करन जा। ओ नहीं देखदा भी ये तवायफ आ। कई सज्जण ना बड़ी नफरत करदे, ये जी शराब पींदा, हाँ ठीक आ मर्यादा वा, ते मर्यादा कहिंदी है भी शराब नहीं पीनी चाहीदी। ये जी मांस खांदा, ते मैं अग्गों एक सवाल करता भी गल नफरत दी है, नफरत ना करो, नहीं ते फिर धन गुरु नानक देव साहब कौडे राक्षस कोलों की लैण गए सी? वो ते बंदा ही खा जांदा सी मार के, फिर महाराज उतो की लैण गए सी? महाराज उहदा जीवन बदलन गए सी। गुरबाणी कहिंदी है भी परमात्मा नहीं देखदा भी वह कौन है, वह देखदा भी इहदी भगती की है, इहदी बंदगी की है, इहदा प्रेम की है। ते बंदगी जिहड़ी है वह जीवन बदल दिंदी है। उस बंदगी ने वड्डे वड्डे चोर साध बनाए ने, उस बंदगी ने वड्डे वड्डे डाकू भाई लखू साहब वर्गे ब्रह्म ज्ञानी बनाए, उस बंदगी ने
ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਗਨਕਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ, ਇਹ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕਾ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਘਟਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੰਦਿਰ ਚ ਨਾ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੀਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 500-1 ਰੁਪਈਆ ਦਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚੀ ਕਟਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ VIP ਪਾਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂ, ਸਿੱਧਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਪੂਰਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ 500-1 ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5000 ਚੁੱਕ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੀ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ 5000 ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 55000 ਦਿੰਨੀ ਆ, ਐ ਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਤਰਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਮੈਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਈਰਖਾ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਭੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਈਰਖਾ ਚ ਇੰਨਾ ਫੂਕਿਆ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਲੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਤੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਸੋਢੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਚਨ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਇਹ ਛੱਪੜ ਆ, ਅਸਲੀ ਤੀਰਥ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾ। ਕਹਿ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿ ਛੱਪੜ ਨਾ ਆਏ, ਇਹ ਛੱਪੜ ਚ ਨਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਚੱਲ ਤੀਰਥ ਹਮ ਤੁਮੇ ਦਿਖਾਏ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੀਰਥ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਤੀਰਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੀਸ ਤੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਰਾਤੀ ਚੌਲ ਤੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਈਰਖਾ ਜੀ ਖਾਈ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੀ ਹੋਈ ਫਿਰ, ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
मौत होने तो बाद जेड़ी घटना ना वो सिर्फ गुरबिलास पातशाही छेवीं ने लिखी है, बाकी एवं संखेप जिहा जिक्र आउंदा ग्रंथां च। मौत होने तो बाद देवते राम गण ते जमदूत आ गए। जमदूत कहिंदे इहनूं नरकां च लैके जाणा, रामगण कहिंदे नहीं गुरु दा लहूगा नरकां च नहीं जा सकदा, सतगुरु दा खून आ नरकां च किदां जाऊगा। कहिंदे फिर फैसला कौन करे? कहिंदे फिर गुरु नानक देव साहिब ते छड़ दो बई, वो करन फिर, क्यों उत्थे ते पक्षपात नहीं ना चलना कोई, तां गुरु नानक देव साहिब ते छड़ दो फिर। तां गुरु नानक देव साहिब जी भावें के बाबा महादेव ने आख्या भी महाराज तरस करो पृथ्वी चंद नूं सचखंड च लंघा लगे, वड्डा भरा सी, तां महाराज कहण लगे नहीं तीन जन्म मैनू सचखंड च निवास नहीं, क्यों? नजायज ईरखा करता रहा, फजूल ईरखा करता रहा, बिना मतलब तो करता रहा जिहदा कोई मतलब बनता ही नहीं सी। मैं जदों कथा पढ़ी तो मैं सोची पै गया कि जे उत्थे पृथ्वी चंद नूं थां नहीं ते थां तैनू मिलूगी जां मैनू मिलूगी, उत्थे ते थां उहनूं मिलूगी जिन्हें अमृत छक के बाणी पढ़ी होगी, जिन्हें अमृत छक के भगती की होगी, गुरु साहब का वचन मनिया होगा, उत्थे ते सिर्फ उन्हूं थां मिलेगी। बाकी पंजवें पातशाह बड़ा कमाल का शब्द उच्चारण करते ने, वो कहिंदे ने भी काहे रे मन चितवह उद्दम जा आहर हर जीओ परिया, सैल पत्थर मैं जन तो पाए ताका रिजक आगे कर तरिया। देण आला कौन आ? वाहिगुरु। आ जिहड़ी घटना होई ना पट्टी च गुरद्वारे दी, ये बहुत माड़ी होई है, ते जे संतां दे घर ही ये होण लग पई ते दूजियां दे फैसले की करवाउणे आ? होना की चाहीदा सी? जो गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिआ कि होए इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिवलाए, हर नामे के हो जोरी गुरमुख बैसो, ये लिखिया कि नहीं गुरु ग्रंथ साहिब च? ते जिहड़े असी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़न वाले असी दूजियां नूं की मत देवांगे? भावें किसे नूं कौड़ी लगे, गुरु ग्रंथ साहिब ने तो नहीं लिहाज किया किसे दा। सतगुरु ने रोटी आपदे हथ रखी है, दसवें पातशाह कहिंदे कि रोजी देहांत है, ते एक गल नाल होर भी कहिंदे हरीफुल शकिन है। हरीफ कहिंदे जिहड़ा नूं हंकार हुंदा उहनूं कहिंदे हरीफ, अर्थ ते होर भी बड़े। जिहड़े बंदे नूं हंकार होवे रब उहनूं भांदा वा। आपां पढ़दे ना रोज रहिराज साहिब, हर जुग जुग भगतो पाया पैज रखदा आया राम राजे, हर नाक्स दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। अगली तुग पढ़ लियो जे नहीं किसे नूं याद, ते अहंकारियां निंदकां पिट दे नाम दिओ मुख लाए। हर जियो हंकार ना पावई वेद कूक सुणावे। रोटी किहदे हथ आ? रब दे हथ। उन्हों कोई नहीं खो सकता जिन्ना चिर किसे दी परा लभद। ब्रह्म ज्ञानी भाई सहज राम ने कथा च सुन लिया की सुनिया के रब रोटी दिंदा वा, ते जिन्ना चिर तेरी उम्र लिखी आ जे तू ना खावे ना खराब करें ते कई बारी दंद भन के भी खवांदा हुंदा, खांदा क्यों नहीं? ये भी नाल उन्हें सुनिया। तां भाई सहज राम दे मन च आया भी ये तुकां ते बड़ी बड़ी सुनिया वा भी पाखाण कीट गुप्त होए रहता ताचो मार्ग नाई कहे तन्ना पूरनता को मातरे जी डराहे। भी परखी कर लो भाई, अजमैश कर लो। जंगल च चले गए, अजमैश की करनी भी रब रोटी पचाउंदा ना खाधी ते दंद भन के खवाउंदा, खा इहदे
जंगल चले गए जिथे चार को तक कोई बंदा नहीं, एहो जी थां ते बैठे चौंकड़ा मार। अज माइश ये गुरबाणी च सच लिखिया, जदों प्रशादे दा टाइम होया रब किड्डा बेअंत सी, ऊठां दा काफला राह भुला के उत्थे लै आया। सरदार ने आख्या, मालक ने आख्या, ऊठां नूं साह दवाओ, पानी डाओ। सारे रोटी खाण लग पे, मालक ने ना खाधी। नौकरां आख्या, महाराज तुसीं नहीं खांदे। कहिंदा मेरा निजम आ, जिन्ना चिर कोई साधु ना खावे मैं नहीं खांदा। ते एक दिन बदले हुण मैं अपना निजम थोड़ी तोड़ देना, एक दिन ते भुख घट ही लऊंगा ना मैं। अगला दिन होया, नौकरां दे मन च ऐसे विचार पैदा होए भी की फायदा साडा नार रहण दा, जे मालक भुखा होवे ते असीं रज के रोटियां खा के सोईए। उन्हां जतन कीता, परमेशर ने प्रेरणा दित्ती भी जाओ जंगल चो कोई साध लभो, इत्थे साध ते होऊगा ना, जे होर कोई ना होऊगा। तां दूर झाड़ियां च बंदे दा परछावां पिया, कपड़े दिखे। जदों भाई सहज राम ने वेख्या भी आ गए आ खवाउण वाले, ओ जाण के लम्मे पै गए। दंद उन्होंने घोटले भी जिदा दंदल पै गई हुंदी आ, बेहोश हो गया। मालक नूं दस्या भी बंदा ते लभ पिया साधु आ, पर भुख प्यास करके जापदा बेहोश हो गया। तां मालक कहिंदा जे सवास वेखो चलदे, कहिंदे जी चलदे, नब्ज वेखो चलदी, कहिंदे कहिंदा फिर धर्म दा काम करो, ऐ करो सरिया फड़ो, उतले दो दंद भन्नो ते मिठा शरबत पाओ। तां भाई सहज राम जी कहण लगे, मना क्यों दंद भना के खाना, सारी उम्र बोड़ा कहणगे। इह सिद्धा हो के उठ के खा, रब ने अपना वचन पूरा कीता, तू रब नूं परखिया, रब ने इत्थे भेजते। तां उह सिद्धा हो के भाई सहज राम जी ब्रह्म ज्ञानी महापुरश कन्हैया भाई कन्हैया साहब की संपर्दा सेवा पंथ उठ के बह गए। मालक ने शरबत पियाया, जदों अपने पास लैके आए तो बड़े प्रेम ना मालक ने पछाण लिया, ये तां महात्मा सहज राम। प्रशादा छकाया तां आख्या, महाराज तुसीं इत्थे की करदे? कहिंदा की दसां तैनूं की करदे, इन्ना शुक्र भी तेरे बंदिया सरिया नहीं मारता दंदा च। उन्हां दस्या भी मैं परख करदा पिया सी भी पंजवें पातशाह ने लिखिया क्यों चिंता कर, जदों चिंता उस परमेशर नूं है, वाहिगुरु नूं है, होईयां भुलां चुकां दी खिमा जी। आप सारियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। श्रीमान संत बाबा गुरबचन सिंह जी, जिन्हां दा बिल्कुल सुभा श्रीमान संत बाबा दया सिंह जी, सुर सिंह वाले महापुरशां वर्गी निम्रता, प्रेम, सहज, ठंड, जे कोई किसे तरह दा कालपणा नहीं। ये मैं नहीं कहिंदा, ये सारे कहिंदे ने जिहड़े भी इन्हां नूं मिलदे ने। सो महापुरशां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद। दास दमदमी टकसाल दे मुखी श्रीमान संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां वल्लों हाजरी लवाउंदा है। आप संगतां दे चरणां विच स्टेज ते सुशोभित ने मेरे बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा आनंद सिंह जी मुंडे पिंड वाले, संत बाबा गुरदेव सिंह जी ठठे वाले, संत बाबा सोहण सिंह जी अरनी वाले महापुरश, संत बाबा गुलाब सिंह जी कार सेवा वाले महापुरश, होर भी बेअंत महापुरश हाजरियां भर रहे ने। जिथे महापुरशां दा धन्नवाद, उथे सत्कारयोग माता जी का भी, विशेष करके माता दया कौर जी का धन्नवाद, जिहड़े कृपा करदे ने। नाल ही साडे सत्कारयोग भाजी सरदार अंग्रेज सिंह जी डीटीओ साहब, तिन्हां दा भी धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा।